रवि, ये बताइए मौसम विभाग का क्या कहना है, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है और कहां कहां ठीक ठाक ही बारिश होगी, प्रशासन की क्या तैयारी है इस फोरकास्ट के मद्देनजर, ये हम समझेंगे रवि से। जी रवि। बिल्कुल सुनीता, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश के जो अलर्ट है वो जारी है और ऐसे में ये 21 तारीख तक है, यानी कि 21 तारीख तक इन डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश हो सकती है कहीं कहीं। ऐसे में जो अन्य प्रदेश के अगर हम बात करें अन्य डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी बारिश की संभावना है, जहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मैदानी इलाकों में बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, यानी कि पूरे प्रदेश में ही बारिश की संभावना है, लेकिन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। चारधाम को अगर देखें तो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, इन तीन जिलों में चारधाम है और इन तीन जिलों में बारिश का ज़्यादा अलर्ट है। तो ऐसे में जो यात्री इस वक्त चारधाम में आ रहे हैं उनको ये सलाह दी गई है कि वो जब भी आएँ तो उनके लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं उस पर रूट की जानकारी ले लें, और जब वो पहुंच रहे हैं तो आगे मौसम किस तरीके का है ये फोरकास्ट देखकर भी ज़रूर जो है यात्रा पर आए। ऐसे में अभी 21 तारीख तक का अलर्ट है, उसके बाद एक से दो दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है और उसके बाद 24 तारीख से एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। इस मौसम को हम एक प्री मानसून शावर के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे अब मानसून शुरू होने वाला है और ऐसे में उससे पहले ये बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। गर्मी से इस बारिश से जरूर निजात मिली है, लेकिन जिस तरीके से कहीं भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में चारधाम यात्रा जो मार्ग है और जहां पर जो लैंडस्लाइड वाले जोन है वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की जहां तक तैयारियों की बात है, तो चाहे आपदा प्रबंधन तंत्र हो या फिर PWD हो, सिंचाई विभाग हो, विद्युत हो, इन तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रखे गए हैं। ऐसे में जहाँ टोल फ्री नंबर जारी करके पूरी निगरानी रखी जा रही है, वहीं अगर सड़कें टूटने, लैंडस्लाइड जैसी स्थिति पैदा होती है तो उनको क्विक रिस्पॉन्स पर सही कराया जा सके, ताकि क्योंकि इस वक्त जो यात्रा है वो पीक पर है और लगा जो यात्री हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में जाम जैसी स्थितियां ना हो, यात्रियों को ज्यादा परेशानियां ना हो, तो जो भी सड़कें टूटती हैं तो वहां पर उनको जल्दी से जल्द खोल दिया जाए, इस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो अभी कल तक का अलर्ट है, देहरादून की बारिश से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों पर बारिश अगर और तेजी से होती है तो क्या कुदरत का नजारा तो सुंदर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रशासन के लिए ये चुनौती भी तो है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। बिल्कुल सुनीता, अगर मैं देहरादून की बात करूं तो कल रात से पूरी झमाझम बारिश हुई, हालांकि अभी बारिश नहीं है क्योंकि अगर अभी बारिश होती तो हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते, लेकिन अभी देहरादून में बहुत चटक धूप खिली हुई है क्योंकि जो भारी बारिश के ज़िले हैं वो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ हैं, जहाँ पर ऊँचाई वाले इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन देहरादून में इस वक्त मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। पूरी रात की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू बारिश हुई है और झमाझम बारिश जो है पूरे देहरादून शहर में और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। अभी हालांकि अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन जिस तरीके का अलर्ट है और शाम के वक्त में हम देख रहे हैं कि मौसम बदल जा रहा है, यहाँ तक कि हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहाँ पर अच्छी बर्फबारी शाम के वक्त में हो रही है। तो ऐसे में जो मौसम है वो सुहावना है, जो गर्मी है उससे राहत मिली है क्योंकि इस बार गर्मी ने भी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े थे, जून के शुरुआत से ही बारिश नहीं हुई, लेकिन अब जिस तरीके से 15 तारीख के बाद जून में ये मौसम बदला, उसके बाद अब ये उम्मीद है कि मानसून आएगा और मानसून में बहुत अच्छी बारिश भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। लेकिन जब बारिश आती है मानसून के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है, ऐसे में ही तमाम लोगों को अलर्ट रात को झमाझम बारिश, और ये कहते हैं रवि कि बारिश के बाद की सुबह बहुत शानदार होती है और ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं, धूप खिली है लेकिन शाम होते होते फिर से मौसम बदलता है और बारिश हो जाती है, ये उत्तराखंड का हाल है। शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।